जय हिंद दोस्तों, मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश वृथरे यूट्यूब चैनल में। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ऐसे ही लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। सबसे पहले तो दो अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए। पहली अपडेट जो है वो ये है कि इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी PDF है वो हम सब अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। जो सेकंड अपडेट है वो है आपकी MCQ या क्वेश्चन से रिलेटेड। तो सर, जो भी टॉपिक्स हम वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक्स की MCQs की जो वीडियो है वो मैं सैटरडे या संडे को अपलोड कर दूंगा, जहाँ पर हम मिनिमम 50 क्वेश्चंस के बारे में वीडियो है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ राष्ट्रवाद की कहानी, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, स्टोरी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कैसे भारतीय लोगों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, इसकी कहानी मैं सर जो 1857 के रिवॉल्ट का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो था सत्ता का ट्रांसफ़र। और सत्ता का ट्रांसफ़र किससे, कंपनी से क्राउन में, मतलब जो भारत की पावर थी वो अब ट्रांसफ़र हो चुकी थी। किससे ट्रांसफ़र हो चुकी थी, कंपनी से क्राउन में। इसको समझिए ज़रा, ये भारत है, ठीक है, मान लीजिए ये ब्रिटेन है, ठीक है। अभी जो भारत में शासन कर रहा था वो भारत ब्रिटेन का एक एजेंट कंपनी क्या कर रही थी, आपकी भारत में शासन कर रही थी, भारत में रूल कर रही थी। पर 1857 के बाद अब भारत में जो शासन करेगा वो कौन करेगा, आपका डायरेक्ट ब्रिटेन शासन करेगा, ठीक है। तो अब 1857 के बाद जो कंपनी का रूल है वो इंडिया में क्या हो जाता है, आपका ख़त्म हो जाता है। और यही टाइम से जो भारत का गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय कहलाने लगेगा, ठीक है। सर, जैसे ही भारत में सत्ता का ट्रांसफ़र होता है और सत्ता ब्रिटिश ब्रिटेन के हाथों में आती है तो भारत के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, भारत के लोग खुश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब हमें भी वही अधिकार मिलेंगे जो अधिकार ब्रिटेन में रह रहे ब्रिटिशर्स को मिलते हैं। पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। जो दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ 1857 के रिवॉल्ट का वो था आपका ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। अब सर, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब है जब व्यक्ति अपने से ऊपर उठकर देश की सोचता है, किसकी सोचता है, देश की या नेशन की सोचने लगे अपने से ऊपर उठकर, ठीक है। अब लोग आज़ादी के लिए लड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले ऐसा नहीं था, अगर आप देखोगे तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में लोग अपने लिए लड़ रहे थे ना कि देश के लिए लड़ रहे थे, पर अब से लोग आज़ादी के लिए लड़ेंगे और देश के लिए लड़ेंगे। किसका ग्रोथ होता है सर, नेशनलिज्म का ग्रोथ होता है, ये 1857 का दूसरा एक बड़ा कारण था। अब सर, नेशनलिज्म के ग्रोथ के कारण क्या बनना चालू होता है, जगह जगह पर राजनीतिक संगठन बनना चालू होते हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशन बनना चालू होते हैं, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल एसोसिएशन क्यों बने पॉलिटिकल एसोसिएशन, क्योंकि सर एक इंसान को मानना सरल है बजाय एक ग्रुप को मानना, ठीक है। आप समझ भी सकते हो, अगर एक इंसान बाहर जाकर चिल्लाएगा तो उसकी कोई नहीं सुनेगा, बट अगर 100 इंसान बाहर जाकर चिल्लाएं तो फिर लोग बाग उसकी सुनते हैं, ठीक है। तो जगह जगह पर क्या बनने चालू हो गए, पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने चालू हो गए। कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशन थे जो काम कर रहे थे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन पॉलिटिकल एसोसिएशन की, तो सर ब्रिटिशर्स भारत में जो ब्रिटिशर्स की हॉटस्पॉट थे वो तीन थे, ठीक है। तीन प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिशर्स की, बंगाल, ठीक है, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल एसोसिएशन आप देखोगे वो तीन जगह आपको मिलेंगे, एक बंगाल में, मद्रास में और आपका बॉम्बे में। तो जो बंगाल में भारत के पॉलिटिकल एसोसिएशन बने, राजनीतिक संगठन बने, उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल एसोसिएशन है, जिसमें 1875 में बना इंडियन लीग्स, जो किसने बनाया था, आपका ससिर कुमार घोष ने, और 1876 में बना इंडियन एसोसिएशन, जो किसने बनाया था, आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। जो इंडियन लीग था वही 1876 में किसमें मिल जाता है, आपका इंडियन एसोसिएशन में। तो बंगाल में बने दो पॉलिटिकल एसोसिएशन कौन कौन से, आपका एक तो इंडियन एसोसिएशन और एक इंडियन लीग। सर, मुंबई में एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बना, कौन सा, आपका पूना सार्वजनिक सभा, जो किसने बनाया, आपका महादेव रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, कब, 1867 में, ठीक है।
मद्रास में जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बना, ठीक है, वो कौन सा था आपका? मद्रास महाजन सभा, बना कब? 1884 में। सर एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल एसोसिएशन जो भारत के बाहर काम कर रहा था, वो था आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो किसने बनाया? आपका दादा भाई नरोजी ने। कब बनाया? 1866 में। कहाँ पर बनाया? आपका लंदन में। तो ये पॉलिटिकल एसोसिएशन थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे और भारत में काम कर रहे थे। जब इन्होंने काम करना चालू करा तो सर ब्रिटिशर्स के कान खड़े हो गए। ब्रिटिशर्स घबरा गए कि अभी तो इन लोगों ने क्रांति करी थी, अब तो ये लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो सर ब्रिटिशर्स ने इस राष्ट्रवाद को कम करने के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी को भारत भेजा, एक ऐसे लिटरेट व्यक्ति को भारत भेजा जिसने भारत में आग लगा दी। सर ब्रिटिशर्स का जो मेन मोटिव था उस पर्सनैलिटी को भारत में भेजने का, वो ये था कि भारत में राष्ट्रवाद को कम करा जाए, ठीक है। भारत में जो एक्टिव हो रहे हैं पॉलिटिकल एसोसिएशन, इन पे लगाम लगाई जाए। तो जिस पर्सनैलिटी को ब्रिटिशर्स ने भारत में भेजा वो कौन था, उसके बारे में हम देखते हैं। सर लिटन। कौन था आपका? लिटन। ब्रिटिशर्स किसको भेजते हैं? लिटन ने। और सर इस लिटन ने भारत में आग लगा दी। अब भारत में इसने आग कैसे लगाई, इसको देखते हैं हम जरा। सर जब लिटन भारत आया तो इस टाइम कब से कब तक आया लिटन? आपका 1876 से 1880 जब लिटन भारत में आया तो उस टाइम भारत में फेमाइन पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। बहुत सारे लोग खाने की मार से मरने लगे, भूख से मरने लगे। तो जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, जो राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने लिटन से बोला कि भैया इनको खाना दो, ठीक है। पर लिटन ने मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिकल एसोसिएशन बोला अच्छा। तो सर उसी टाइम ये लिटन ने किसका आयोजन करा? दिल्ली दरबार का। कब करा? 1876 में किसका आयोजन करता है आपका? दिल्ली दरबार का। दिल्ली दरबार जहाँ पर विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया आई और उन्हें टाइटल दिया गया केसर हिंद का कि आप महारानी हो किसकी? भारत की, ठीक है। खूब पार्टियाँ हो रही हैं, खूब नाच गाना हो रहा है और हमारे लोग उधर किससे मर रहे हैं? भूख से मर रहे हैं। लिटन को पता चल चुका था कि जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है वो इसको आप खूब भर भर के क्या देने वाले हैं? गालियां देने वाले हैं। और सर इसी कारण से जो अगला काम करा लिटन ने वो था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। समझिए इसको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब आपका? 1878 में। सर इसने इस एक्ट के माध्यम से प्रेस पे क्या लगा दिया आपका? प्रतिबंध लगा दिया। और कौन सी प्रेस पे प्रतिबंध लगवाया? जो प्रेस किसमें लिखी जाती थी, जो न्यूज़पेपर किसमें छपते थे? आपके लोकल लैंग्वेज में, जो लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छपते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। अब लोकल लैंग्वेज समझ में तो इनको आती नहीं थी, पर इनको इतना पता था कि इसमें ये गालियाँ दे रहे हैं हमको, ठीक है। इसने इस पर प्रतिबंध लगा देता है। किस पे आपका? ठीक है, ए लिटन की सबसे बड़ी गलती थी। क्यों इस लिटन की सबसे बड़ी गलती थी? सर आप अगर देखो कि आपको किसी पे भड़ास निकालनी हो तो उसे दो चार गालियाँ दे दो, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। बट इसने अब बोल दिया कि आप गालियाँ नहीं दे सकते, तो सर जो लोगों का गुस्सा था वो और अंदर बढ़ता चला गया, ठीक है। मतलब जिस लिटन को भारत में राष्ट्रवाद को कम करने के लिए भेजा गया था, उसने राष्ट्रवाद को और बढ़ाने का काम किया, ठीक है। जो अगला काम लिटन ने किया वो था आपका आर्म्स एक्ट 1878, ठीक है, जिसमें मतलब डाकू और जो चोर उचक्के थे वो आर्म्स वगैरह रख सकते थे, पर भारत का जो आम नागरिक है, कॉमन मैन है भारत का, वो अपने डिफेंस में कोई भी क्या नहीं रख सकता? आर्म्स नहीं रख सकता। तो सर लिटन के तीन काम, दिल्ली दरबार के बाद क्या आपका? वर्नाकुलर प्लेस एक्ट 1878 और आर्म्स एक्ट 1878, ठीक है। इन सब के कारण से भारत में आग लग गई और राष्ट्रवाद की जो था वो अपने चरम पर पहुंच गया। ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, वो घबरा गए कि यार अभी तो क्रांति करी गई है, अब तो इन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशन भी बना लिए हैं और ये आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये तो दिक्कत की बात है। तो सर जो अंग्रेज़ों ने नेक्स्ट काम करा, अगर आप देखोगे तो अंग्रेज़ों का जो नेक्स्ट काम था वो किसका काम था? आग को बुझाने का काम था, ठीक है। और आग को बुझाने के लिए जिस पर्सनैलिटी को अंग्रेज़ों ने भारत भेजा वो था कौन आपका? रिपन, ठीक है। अब रिपन ने भारत में क्या क्या काम करे, इसने आग को कैसे बुझाया, चलिए देखते हैं हम, ठीक है। सर रिपन जब भारत आया तो इसने भारत को कई सारी लॉलीपॉप दी और भारत में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था उसको शांत करने की कोशिश की। सर जो इसका पहला काम था वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करना। बिल्कुल सही काम है, क्योंकि आपकी जो भड़ास थी वो कहीं तो निकलनी चाहिए। तो इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, जो प्रेस पे प्रतिबंध था, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया।
जो दूसरा काम था सर इसका, वो था आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1882 में इसने स्थाई स्वशासन की नींव रखी। किसकी नींव रखी? स्थाई स्वशासन की। लोग भारतीयों से पूछा, भाई तुम्हें क्या चाहिए? तो भारतीयों ने बोला, यार हमको सांसद विधायक बना दो। ठीक है, तो रिपन ने बोला कि सांसद विधायक तो नहीं बना पाएंगे हम तुमको सरपंच बना देंगे, सरपंच नगर पालिका अध्यक्ष हम तुमको बना देते हैं। भारतीयों ने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो सर यहाँ से शुरुआत होती है आपकी पंचायती राज की और म्यूनसिपैलिटी की। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था, ठीक है, जिसने भारत में पंचायती राज और स्थायी स्वशासन की नींव रखी, तो वो कौन था? आपका रिपन। इसने भारत को क्या दिया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहला ये काम करा, भारतीय बहुत खुश हुए। दूसरा काम सर, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन किसके लिए लाया गया कमीशन था? ये आपका सर एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। सर शिक्षा में अभी क्या होता था, भारतीय लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था शिक्षा में। ठीक है, मतलब इंग्लिश मीडियम बड़े बड़े स्कूलों में भारतीयों को एडमिशन नहीं दिया जाता था। तो रिपन ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात थी कि एजुकेशनल रिफॉर्म में इसने एक कमीशन लाया, हंटर कमीशन। ठीक है, भारतीय बहुत खुश हो गए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप सर। बट एक चीज़ इसने ऐसी करी जिसने पूरी पिक्चर को ही बदल के रख दिया, वो था सर इल्वर्ट बिल। इसने क्या इंट्रोड्यूस करा? इल्वर्ट बिल कब इंट्रोड्यूस करा? 1883 में और 1884 में। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर इल्वर्ट बिल में ऐसा प्रोविज़न था कि जो भारतीय मजिस्ट्रेट हैं, कौन है आपके इंडियन मजिस्ट्रेट जो हैं, ठीक है, वो यूरोपियन के मैटर्स को क्या कर सकते थे? डिसाइड कर सकते थे, या उन पर सजा सुना सकते थे। जो अंग्रेज लोग थे उन पर सजा दे सकते थे। कौन? आपके भारतीय मजिस्ट्रेट। ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब कि आप खुद सोचिए, आप कभी नहीं चाहोगे जो आपसे कम शक्तिशाली है, जो कमज़ोर लोग हैं वो शक्तिशाली लोगों पे क्या करें, आपका डिसीजन लें। जो कमज़ोर लोग हैं वो आपसे, जो छोटे लोग हैं वो आप पर क्या लें, आपके डिसीजन लें। अब भारत उस टाइम गुलाम था, ठीक है, किसका गुलाम था? आपका अंग्रेज़ों का गुलाम था। अब गुलाम राष्ट्र किस पर डिसीजन लेगा? आपका अंग्रेज़ों पर। ये अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है, अब अंग्रेज़ों को ये चीज़ पसंद नहीं आई तो इस बिल के खिलाफ पूरा का पूरा, पूरी की पूरी ब्रिटिशर्स कम्युनिटी एक हो गई। चाहे उसमें फ्रेंच हो, चाहे उसमें आपके डच हो, पूरे के पूरे यूरोपियंस में सबके सब लोग क्या हो गए, इस इल्वर्ट बिल के खिलाफ खड़े हो गए। और सर रिपन को इस इल्वर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। किसको वापस लेना पड़ा? आपका इल्वर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। और सब सर जब इल्वर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी हुई तो भारतीयों की बिल्कुल आँखें खुल गई। भारतीयों को ये चीज़ समझ में आ गई कि जब ये लोग जो 54 देशों पर शासन कर रहे हैं, इनके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो इन लोगों ने, ये लोग पूरे के पूरे एक हो गए। ठीक है, हम लोग तो गुलाम हैं। ठीक है, हम लोग गुलाम हैं और गुलाम होने के बावजूद हम सब क्या हैं, अलग अलग क्या कर रहे हैं, आपका क्रांतियां कर रहे हैं। तो एक इतनी गलत बात है। तब इनको एक चीज़ समझ में आई कि अगर अच्छे से हमको क्रांति करनी है, अगर अच्छे से हमको स्ट्रगल करना है, तो हमको एक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा सर? एक होना पड़ेगा। और यहीं से आप देखिए कि किसका फॉर्मेशन होगा? आपका कांग्रेस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब एक भारत का सिर्फ एक ही, एकमात्र ऑल इंडिया पॉलिटिकल एसोसिएशन बनेगा कांग्रेस, और वो भारत को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और भारत का सिर्फ एक सर दिक्कत कहाँ पर है, वो रटते हैं सर। रटने का खेल है ही नहीं है पूरा का पूरा, आपको याद ही नहीं करा। आपको जो चीज़ करनी है वो सिर्फ क्या है, आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, कैसे कनेक्ट करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, और 1857 के रिवॉल्ट के कारण किसका जन्म होता है? आपका राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद से किसका जन्म होता है? कई सारी जगह भारत में क्या बने? राजनीतिक संगठन बने। राजनीतिक संगठन ने इस राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा बढ़ाया। अब राष्ट्रवाद की भावना को कम करने के लिए कौन आएगा? आपका लिटन आएगा। अब लिटन कम करने के लिए आया था, बट इसने और आग लगा दी। अब इस आग को बुझाने के लिए कौन आया सर? रिपन आया। और रिपन का एक ऐसा काम था जिससे किसका जन्म होता है? आपका कांग्रेस का जन्म होता है। ठीक है, तो सर सिर्फ आपको जो चीज़ करनी है वो क्या करना है? आपका कनेक्ट करना है। और अगर आप ऐसे कनेक्ट करना सीख गए ना सर, पूरा खेल किसका है? आपका सर कनेक्ट करना का है। तो बने रहिए सर मेरे साथ, आगे वाली वीडियो में बताऊंगा आपको कांग्रेस का इतिहास। ठीक है, कांग्रेस की कहानी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।